ओके हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप पुराने प्लाजो पैंट से एक ब्यूटीफुल सा शर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आगे की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम हमारे प्लाजो पैंट्स का ऊपर का बेल्ट का एरिया कट कर लेंगे। तो यह मैंने बेल्ट एरिया कट कर लिया है। अब हम मिडिल की स्टिचिंग्स कट कर लेंगे। दोनों फ्रंट एंड बैक एरिया की मिडिल की स्टिचिंग्स हम कट कर लेंगे। सो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हम हमारे पैंट्स की जो बॉटम की मिडिल की स्टिचिंग्स होगी उसे भी हम कट कर लेंगे। सो यहाँ हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हमें इसे स्प्रेड करना होगा। हमें कुछ इस तरीके से स्प्रेड करना होगा कि हमें एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना होगा। तो यहाँ मैंने मेरे दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लिया है एंड देन अगेन हमें इसे फोल्ड कर लेना होगा। सो गाइस, फोल्ड करने के बाद जो हमारे प्लाजो पैंट्स का कॉर्नर का कर्व एरिया है उसे हमें कट करना होगा। तो उसके लिए हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन हम उसे कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। हमें इसे कुछ इस तरीके से ओपन करना होगा कि हमारा जो टू लेयर्स ऑफ फैब्रिक है वो एक साथ रहे एंड दोनों रॉन्ग साइड रहे। फिर उसके बाद से वन साइड की हमें स्टिचिंग करनी होगी। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे वन साइड की स्टिचिंग करनी होगी। यहाँ पे मैंने वन साइड की स्टिचिंग कर लिया है एंड ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे हमें जैकेट वे में कुछ इस तरीके से फोल्ड करना होगा। सो कुछ इस तरीके से हमें जैकेट वे में फोल्ड करने के बाद हमें इसे अगेन एक फोल्ड कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम सेंटर से लेते हुए फोल्ड कर लेंगे। देन हम हमारा आर्म होल मार्क करेंगे। तो हमें हमारा आर्म होल्स के लिए ऊपर हम ले रहे हैं 3 इंचेस एंड बॉटम की ओर हम ले रहे हैं 8 इंचेस। फिर दोनों पॉइंट्स को मार्क करने के बाद हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इसे कट कर लेंगे। आप ये स्टेप अपनी कोई भी कमीज प्लेस करते हुए भी कर सकते हैं सिंपली, अगर आपको मेजरमेंट्स नहीं करनी है तो। फिर जो हमारे नेक का सेंटर एरिया है उससे कुछ इस तरीके से ग्रैब करते हुए हम मार्किंग्स करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमने 2 सेंटीमीटर्स लिया है एंड बॉटम की तरफ हमने 5 इंचेस लिया है। तो कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट को हम वी सेक्शन वी लाइन ड्रॉ करते हुए मार्क कर लेंगे एंड यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब अगेन हम हमारे जैकेट को सेम वे में प्लेस कर लेंगे एंड हम शोल्डर अटैच कर लेंगे एंड ईच साइड्स हम हेम कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सारी साइड्स को हेम कर लिया है एंड शोल्डर भी अटैच कर लिया है। अब उसके बाद हम हमारे प्लाजो को डेकोरेट करने के लिए कोई भी लेस या पैचेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ग्रीन लेस का यूज़ कर रही हूँ। मैं बॉटम पे कुछ इस तरीके से ग्रीन लेस ऑल ओवर प्लेस कर लूँगी हमारे जैकेट के। सो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने प्लेस कर लिया है हमारे जैकेट के ऊपर ये लेस एंड ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप सेंटर की ओपनिंग्स में भी लेस ऐड कर सकते थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो यहाँ कुछ इस तरीके से हमारी जैकेट रेडी है। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।